सो हेलो वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और आज एक बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट और मेरे एकदम दिल के करीब मोटरसाइकिल है। काफ़ी साल पहले इसको मैंने अपने हाथों से रिस्टोर किया था और आज एक स्पेशल डे है। हमारा एक छोटा सा राइडर का ग्रुप है, वो चाहते हैं कि आज हम इस पर राइडिंग करें, कहीं पर जाए, अच्छी जगह पर राइड करके आए। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि ये बाइक पिछले 3 साल से जो है वो इसी पोजीशन में खड़ी है। लास्ट टाइम गाड़ी रनिंग थी, बट 3 साल काफ़ी एक लंबा टाइम होता है दोस्तों। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं, और जो भी हमारा आज राइडिंग का जो टूर है उसको कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं, ये तो मेरे मन में शंका है, डाउट है। बट दोस्त वेट कर रहे हैं, आज दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच का कोई टाइमिंग है, हमको राइड पर निकलना है और लोकल आसपास की राइड होगी 50-60 किलोमीटर के अंदर। मैंने उनको हाँ तो कह दिया, लेकिन भाई कह नहीं सकता कि गाड़ी चालू होगी कि नहीं। तो ये देख लीजिए आप गाड़ी का पूरा व्यू, इसके बारे में बता देता हूँ। ये ESD क्लासिक 2 1985 का मॉडल है। जो जानकार होंगे वो जानते होंगे, जिन्होंने इस बाइक को आज तक देखा नहीं होगा उनको बता देता हूँ कि ये गाड़ी बहुत स्पेशल गाड़ी थी। एक वक्त पे हर राइडर के दिल पे राज करती थी, रोड का किंग कहा जाता था इसको। और यहाँ पर थैंक गॉड एक्सीलेटर जाम नहीं है, ठीक से काम कर रहा है। और फ्यूल टैंक को खोल के देख लेते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं है। लास्ट टाइम मुझे खुद नहीं पता कि इसमें फ्यूल था कि नहीं, और देखते हैं अभी असलियत पता चल जाती है। तो अंदर अंदर तो भाई बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखो फ्यूल टैंक पूरा ड्राई है, यहाँ पर आपको देख शायद दिखाई दे रहा है या नहीं। फ्यूल टैंक देखिए पूरा नीचे तक बिल्कुल ड्राई हो गया है, और नीचे से हम खोल के चेक कर लेते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत फ्यूल होगा तो आता है। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व में लेने के बाद भी फ्यूल नहीं आ रहा है, नीचे करके देख लेते हैं, इस पर भी फ्यूल नहीं आ रहा है। सो एयर ले जा के देखते हैं इसमें, तो भी फ्यूल नहीं आ रहा है दोस्तों, और टैंक पूरी तरीके से ड्राई है। अब किक को चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से गाड़ी खड़े रहती है तो हो सकता है पिस्टन वगैरह जाम हो जाता है। तो यहाँ पर इसके किक को चेक कर लेते हैं। सो इसका पिस्टन तो जाम नहीं हुआ है, अभी हरकत कर रहा है ये। तो इस गाड़ी में ज़्यादातर दिक्कत ये आती थी कि अगर साल भर भी गाड़ी को आप खड़े कर देते तो पिस्टन रिंग में अगर ज़रा सी भी कुछ रस्टिंग आ गई तो वो जैम हो जाता था, तो फिर हेड ब्लॉक खोल के ही करना पड़ता था। तो मेरे केस में मैं लक्की हूँ कि अभी देखिए वर्क कर रहा है, इसका पंप हो रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं नया पेट्रोल, टूटी आयल, और टूटी आयल को पेट्रोल में कर लेते हैं मिक्स, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक गाड़ी है और टूटी आयल पेट्रोल में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 लीटर हम पेट्रोल ले रहे हैं, तो 40 ml का टूटी आयल इस पर लगेगा, 20 ml पर लीटर। टैंक को करते हैं फिल, फिर करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश। गाड़ी को मैं बिल्कुल इसी कंडीशन में राइड में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी है, पुरानी गाड़ी है, इसको मैं वॉश नहीं करूँगा, नहीं तो पानी जाने के कारण से हो सकता है कि मुझे कुछ दिक्कत आ जाए। सो वो रिस्क मैं नहीं लूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक दिक्कत छोटी सी और आ गई है कि इसका पेट्रोल का पाइप काफ़ी दिन से हार्ड हो गई है, रहा तो फट गया है, देख लीजिए आप। तो इसको तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, चेंज करते हैं। तो ये एक मेरे पास जो भी पाइप पड़ा था भाई, उसको मैं लगा लिया हूँ। पेट्रोल तो इसमें आने लगा है, चलिए अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ देख लेते हैं, किक मार के गाड़ी को। इग्निशन तो ऑन है हमारा, और गाड़ी को किक करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 किक 4 किक में गाड़ी हमेशा स्टार्ट हो जाती थी। सो इस बार लग नहीं रहा है गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो प्लग को देखना होगा, प्लग को देख लेते हैं, करंट चेक कर लेते हैं दोस्तों। प्लग में करंट आ रहा है, और ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ तो इसलिए सॉरी बहुत हिल रहा है वीडियो। सो देख लीजिए इसमें करंट आ रहा है, स्पार्किंग की चट चट की आवाज़ भी आ रही है। तो भाई मैंने बहुत कोशिश किया, प्लग को सब करके देखा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कार्बोरेटर को खोलने का। कार्बोरेटर को खोलने के बाद ये नज़ारा सामने आया है, देखिए पुराना पेट्रोल और
जो है वो किस हालत में हो गया है, बिल्कुल एक स्लज की तरह बन गया है वो, और किस कदर जेट पे, तो गाड़ी स्टार्ट होना तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों। और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होता है, इसको भी क्लीन कर लिया हूँ मैं अभी। और ये देखिए ऑयल वगैरह यहाँ पे जमा है, सब साफ़ कर लेते हैं पॉइंट वगैरह को अच्छे से, फिर एक बार पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे गैप वगैरह चेक करके। और इसका ये थ्रॉटल पिस्टन है, इसको भी पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे, प्लग को भी क्लीन कर लेंगे और अच्छे से एक बार, और फिर कोशिश करेंगे दोस्तों इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले कार्बोरेटर क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे कार्बोरेटर वगैरह सब क्लीन होके मैं फिट कर लिया हूँ, फाइनली इसको टाइट भी कर दिया हूँ। और देख लीजिए टिकलर को प्रेस करने से फ्यूल आ गया है अच्छे से। और अब ट्राई करके देखते हैं दोस्तों, और सब कुछ ठीक रहा तो गाड़ी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। सो थोड़ा सा एयर को रोकते हैं यहाँ पे हाथ से, और ये भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। तो बहुत ही सीधी सादी, बहुत प्यारी गाड़ी है ये, अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, बिल्कुल 2-3 किक में स्टार्ट हो ही जाती है हमारी गाड़ी। और देख लीजिए इसका पॉइंट, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ से इसके करेंट का पल्स जो है जाता है। कार्बोरेटर देखिए क्लीन कर लिया है, और बस अब इसको तैयार करना है राइड के लिए, सब कुछ फिट करके जो है। लेकिन एक बार इसको हम फुल स्पीड में चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको लंबा राइड में जाना है तो फुल स्पीड में गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आती, तो इसको हम रेस कर लेते हैं। गाड़ी बहुत अच्छे से फुल रेस हो रही है, स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों।